बैठक और समिति की मेरी उपस्थिति में जो सदस्य हैं उनका मनोभाव में समझूं तब तो मैं परामर्श दूं, लेकिन यहाँ का शासन तक भी बचना चाहता है, समिति भी बचना चाहती है मेरे सामने बैठक होने में। दूसरी बात यह है, ध्यानपूर्वक आप सुनिए, कदाचित मेरी उपस्थिति में श्री जगन्नाथ मंदिर परिचालना समिति की बैठक हुई, कोई निर्णय लिया भी गया, उड़ीसा के मुख्यमंत्री को अधिकार है कि उस पर पानी फेरने, बाद में कोर्ट को अधिकार है कि मुख्यमंत्री के निर्णय पर भी पानी फेरने। तो धार्मिक आध्यात्मिक जगत ही नहीं, धर्म और अध्यात्म की सीमा के बाहर तो राष्ट्र भी नहीं होता, कोई मान्यता नहीं होती, राजनीति भी नहीं होती है। मेरी उपस्थिति में कोई निर्णय लिया जाए और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या मुख्यमंत्री उस पर पानी फेर दें तो पद का क्या होगा? इसलिए पहले शासन तंत्र को यदि शंकराचार्य की अपेक्षा है तो इस प्रकार की जो विडम्बना है उसको समझ कर दूर करे, नहीं तो मैं अपनी जगह हूँ ही, मेरा जो दायित्व तो उसका पालन करता ही हूँ। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान के रूप में श्री मंदिर की उद्भावना होनी चाहिए। शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और श्रेष्ठ संपन्न व्यक्ति और समाज की संरचना में श्री मंदिर का उपयोग होना चाहिए। गिने चुने व्यक्तियों की आस्था मनोती मानने के केंद्र के रूप में ही श्री मंदिर को रखा गया है। ऐसी स्थिति में शासन तंत्र और समिति के व्यक्ति ध्यान दें कि हमसे अगर लाभ उठाना है तो व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत करें, नहीं तो हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड है। हमारी गति केवल पूरी तक, उड़ीसा तक या भारत तक नहीं, भगवत कृपा से, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से मैं सत्य ही बोलता हूँ, 14 भुवनों में हम अपने कार्य करने की प्रणाली निकाल लेते हैं, जो करना होता है उसके लिए मार्ग भी प्रशस्त कर लेते हैं, किसी के मोहताज रहने की मुझे आवश्यकता नहीं होती। गुरु गोविंद ग्रंथ का पूरा बल हमको प्राप्त है। अब देखते रहिए भारत क्या होता है, विश्व क्या होता है, अंत में सबको सनातन संस्कृति के प्रति आस्थानित होने का मार्ग क्या होता है, समीक्षा करते रहिए।